नमस्कार, मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की स्थिति का हाल। फिलहाल देखें तो एक एंटी साइक्लोन दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पूर्वी गुजरात पर प्रभावी है और आज राजस्थान सहित पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और लेह लद्दाख के इलाकों से मानसून वापसी हुई है, जिसमें उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों के क्षेत्रों से लगाकर मध्य भागों तक, जिसमें कानपुर तक के क्षेत्रों तक, तो वहीं मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भागों में भी मानसून वापसी हुई है, जैसा कि अनुमान था कल के वीडियो में भी, आज के वीडियो में भी, कि उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों में भी मानसून वापसी की संभावनाएँ बन गई है और राजस्थान के दक्षिण दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों को एक बार छोड़कर ये वापसी यहाँ तक बनेगी, जिसकी संभावनाएँ थी। अब जो है आगे आने वाले 3-4 दिनों के दौरान और आगे मानसून वापसी होने की संभावनाएं बनी हुई है। आज देखें तो लगभग जो है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, लेह लद्दाख के क्षेत्र और राजस्थान के कई और ज़िलों से मानसून वापसी हुई है। मानसून वापसी लाइन आप देख सकते हैं जो ये इस समय बनी हुई है, यानी अभी मानसून की स्थिति राजस्थान के क्षेत्रों में बांसवाड़ा, उदयपुर संभाग के क्षेत्र और कोटा संभाग के क्षेत्रों में बनी हुई है, तो वहीं उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों से मानसून वापसी हुई। आधे उत्तर प्रदेश से लगभग मानसून वापसी हो चुकी है और यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, लेह लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सभी भागों से मानसून अब लौट चुका है। आज अभी 2 अक्टूबर शाम का समय है और 6:15 बजे का मौसमी विश्लेषण है। इसमें देखें तो उदयपुर कोटा संभाग में कुछ इलाकों में बूंदाबांदी, हल्की खंड वर्षा की संभावना रहेगी अगले 24 घंटों के दौरान और वहीं यहाँ पर देखें तो कुछ उत्तर पूर्वी और उत्तर मध्य भागों में, तो कुछ जैसलमेर के आसपास से लगाकर बीकानेर की और कहीं कहीं घने बादल बन सकते हैं जो बौछार मात्र कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखें तो लगभग 99% तक राजस्थान का क्षेत्र या इससे भी अधिक क्षेत्र अब पूर्ण रूप से शुष्क बना रहेगा। धूप खिली रहेगी, तापमान 39 से लगाकर 42 डिग्री तक अलग अलग क्षेत्रों में बने रहेंगे और जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे जो एंटी साइक्लोन प्रति चक्रवर्ती हवाओं का क्षेत्र राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भागों के आसपास हैं, ये कुछ मध्य प्रदेश की ओर शिफ्ट होगा और यहाँ से भी मानसून वापसी होने की संभावनाएं हैं। उसके बाद देखें तो मानसून वापसी की गतिविधियाँ महाराष्ट्र के क्षेत्रों की ओर भी होने की जल्द ही संभावनाएँ हैं और पहले सप्ताह के बाद या कहे पहले सप्ताह के अंतिम दिनों से लगाकर 5-6 तारीख से कुछ खंड वर्षा वाली स्थिति राजस्थान के दक्षिण पूर्वी, उत्तर पूर्वी भागों से लगाकर मध्य भाग, कुछ उत्तर पश्चिम भागों की ओर दिखाई देने की संभावना है, जो कि 5-6 अक्टूबर से लगाकर 10 अक्टूबर के मध्य खंड वर्षा होने की संभावना राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ या कहे बीकानेर, जोधपुर संभाग, उदयपुर कोटा, भरतपुर, जयपुर सीकर संभाग, पाली संभाग, इन क्षेत्रों में अजमेर संभाग सहित कहीं कहीं अलग अलग समय में अलग अलग जिलों में खंड वर्षा, मेघ गर्जन, बिजली चमक होने की संभावना रहेगी। हालांकि अभी भी देखें तो 3, 4 और 5 तक लगभग संपूर्ण भागों में मौसम शुष्क करेगा, केवल उत्तर पूर्व, कुछ उत्तर के आसपास कुछ खंड वर्षा बूंदाबांदी की संभावनाएँ बढ़ जाएगी WT की वजह से और 6-7 तारीख से लगाकर 10 तारीख के मध्य किसानों को सतर्कता बनाए रखते हुए फसल कटाई का कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि उस दौरान खंड वर्षा की गतिविधियां हल्की मध्यम, कहीं तेज़ तो कहीं कहीं सीमित दायरों की मूसलाधार खंड वर्षा तेज़ हवाओं के साथ WD के कारण होने की संभावना है। मानसून लगभग राजस्थान के 95% तक क्षेत्रों से अब लौट चुका है आज और अन्य कई जिलों से मानसून की वापसी होते हुए केवल दक्षिण पूर्व के क्षेत्रों तक बना हुआ है, तो वहीं जो उत्तर पश्चिमी भारत के संपूर्ण राज्यों से मानसून वापसी हो चुकी है, अब ये उत्तर प्रदेश के बचे हुए क्षेत्र, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कुछ महाराष्ट्र, गुजरात के क्षेत्रों से भी आने वाले दिनों में मानसून वापसी की संभावना है। हालांकि दक्षिण गुजरात तक दूसरे सप्ताह के मध्य या अंतिम दिनों तक भी उम्मीद है मानसून की स्थिति बनी रहेगी। फिलहाल कोटा, बूंदीवारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ में कुछ बादलों की आवाजाही के साथ ही कुछ स्थानों पर कहीं कहीं खंड वर्षा की संभावना रहेगी। वहीं झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर सभी भागों में मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना है। एकाधुका स्थानों पर कहीं कहीं बढ़ती हुई गर्मी और एकाधुका स्थानों पर कहीं बढ़ते हुए सघन बादल बौछार वाली स्थिति कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल नगण्य है। किसान भाई आराम से फसल कटाई का कार्य यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू, बीकानेर, नागौर, कुचामंडी, गाना बेल्ट से लगाकर
सटे हुए क्षेत्रों में मौसम पूर्ण रूप से शुष्क बना रहेगा। किसान भाई फसल कटाई का कार्य यहाँ पर आराम से जारी रख सकते हैं। हालांकि 5 तारीख के आसपास से लगाकर किसानों को मौसम की जानकारी रखते हुए फसल कटाई का कार्य करते रहना चाहिए, क्योंकि उस दौरान वर्षा की खंड वर्षा वाली गतिविधियाँ बढ़ने की संभावना रहेगी WD के कारण। वहीं यहाँ पर बीकानेर के छठवे क्षेत्रों से लगाकर फलोदी, जैसलमेर, पोखरण और बाड़मेर बालोतरा क्षेत्र हैं, जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, इन क्षेत्रों में भी लगभग सभी भागों में मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना ब्यावर और आसपास के अरावली रेंज के क्षेत्रों सहित बनी हुई है। और लगभग 6-7 तारीख के आसपास कहीं कहीं मौसम बदलने के साथ ही बढ़ती हुई दक्षिण पश्चिमी हवाओं की स्थितियाँ बादल बना सकती हैं और जेट का दक्षिण झुकाव WD को कुछ सपोर्ट देते हुए खंड वर्षा राजस्थान के पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में करवा सकता है, जिसकी वजह से किसानों को सतर्कता बरतते हुए फसल कटाई का कार्य और फसल बिजाई का कार्य अब जारी रखना चाहिए। वहीं यहां पर देखिए तो लगभग संपूर्ण भाग शुष्क है। गुजरात में भी अधिकतर भागों में शुष्क मौसम उत्तर पश्चिम उत्तर में रहेगा, जबकि सौराष्ट्र गुजरात रीजन के दक्षिणी भागों में, मध्य प्रदेश के भागों में वर्षा की गतिविधियाँ मध्य से पूर्व की ओर खंड वर्षा के रूप में बनी रहेगी। लेकिन आगामी दिनों में देखें तो कोई बड़ी मौसमी प्रणाली पश्चिम तक प्रभाव नहीं दिखाएगी। इससे लगातार मानसून वापसी होने और प्रभावी एंटीसाइक्लोन या प्रति चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उत्तर पश्चिमी भारत पर अपना प्रभाव बनाए रखेगा, जिससे यह हवाएं भारत के मध्य भागों तक भी बनेगी। तो वहीं बंगाल की खाड़ी में बना हुआ एक LPA का सिस्टम पूर्वी भारत के तटीय किनारों से लगाकर पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्यों में देखें तो यहाँ पर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम से लगाकर त्रिपुरा, मिजोरम, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार या मूसलाधार वर्षा देगा। वहीं पश्चिम बंगाल से लगाकर बिहार, झारखंड, उड़ीसा और इससे सटे छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन क्षेत्रों में महाराष्ट्र सहित वर्षा की गतिविधियां मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार तो कहीं कहीं तटीय किनारों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। इधर दक्षिण भारत में वर्षा की गतिविधियों में धीरे धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना है, जहां दक्षिण पूर्वी अरब सागर में एक चक्रवर्ती हवा का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके प्रभाव से यहाँ पर वर्षा की गतिविधियाँ बढ़ने की संभावना है। और फिलहाल देखें तो एक खबर काफ़ी ज़्यादा जो है गलत रूप से वायरल हो रही है, जिसमें 1 अक्टूबर से लगाकर 15 अक्टूबर तक 25 इंच तक की वर्षा होने की संभावनाएं उसमें बताई गई हैं, बिल्कुल गलत है। किसान भाई आराम से फसल कटाई के कार्य या अनार बेल्ट में स्प्रे के कार्य कर सकते हैं। छुटपुट मौसम दूसरे सप्ताह में खराब होगा, फिलहाल तूफान की संभावनाएं नहीं है। हालांकि 18-20 अक्टूबर के बाद से लगाकर अंतिम दिनों में तूफान उभरने की संभावना रहेगी अरब सागर, जिसका अगर कोई विशेष प्रभाव भी होगा तो उसकी जानकारी आने वाले समय में लगातार आपको दी जाएगी। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।